इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने सानहा पीआईसी से गिरफ्तार मजीद 8 वकला को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत नंबर 1 के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने हुक्म जारी किया। पुलिस ने अदालती वक्त खत्म होने पर मजीद 8 वकला को जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश किया। गुलाम मुर्तजा चौधरी सीनियर नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस ने 5 बजे के बाद मुलजिम वकला को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने 8 वकला को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया है। उनका कहना था कि पुलिस ने मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा लेकिन अदालत ने जुडिशल कर दिया। हमें रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया और हमारे सामने अदालत के सामने और हमारी मौजूदगी में अदालत के सामने भी कोई तफ्तीशी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। हमारे अदालत से बाहर आने के बाद शायद पुलिस अदालत के सामने कुछ पेश कर दी। वकील जहीर अनायत ने कहा कि मुलजमान की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जमानतें दायर कर दी गई हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए मंगल तक जवाब तलब कर लिया है।